पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से आदमपुर के उपचुनाव में आप सभी ने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता का धर्म निभाया, उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के हमारे परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर 54 साल के जो उनके और हमारे बीच का पारिवारिक रिश्ता है, जो विश्वास है, उसको आशीर्वाद दिया। और जो लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, असभ्यता की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आप सभी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं का भी, जिन्होंने आदमपुर के उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर पूरी मेहनत के साथ अपनी भूमिका को निभाया। और आप सभी के माध्यम से मैं, जो आदमपुर की जीत हुई है, उसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस जीत को मैं हमारे देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समर्पित करता हूँ, जिनके नेतृत्व से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। आप सभी के माध्यम से इस जीत को मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी समर्पित करता हूँ, जिनकी कार्यशैली से आज पूरा हरियाणा प्रदेश प्रभावित है। और भविष्य में, आने वाले 2 सालों में, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आदमपुर का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुझे भरोसा है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कि जिस प्रकार से वो बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश की कृतिका करते हैं, कि आने वाले समय में उन्हीं की रहनुमाई में आदमपुर का कायाकल्प होने वाला है। एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं आदमपुर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपके दादाजी ने जयप्रकाश को हराया, पिताजी ने हराया और अब आपने हराया, हैट्रिक लगाकर कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जयप्रकाश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, तो ऐसे में अगर चुनाव में मेरी जीत हुई है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जी, अभी 2024 दूर नहीं है, 2024 तो आपने नेचुरली अभी से क्या सोचा, उसके क्या रणनीति और किस तरह से आप चलेंगे आगे? देखिए, दो पहलू है सवाल के। पहला तो ये कि आदमपुर का की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि आदमपुर का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं हल्के में करना चाहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर बीड़ हिसार के 5 गांवों को मालिकाना हक दिलाने से लेकर हमारे किसानों को पानी और बिजली की सुविधा देने तक, बहुत सारे ऐसे काम है जिनको मैं अंजाम देना चाहता हूँ। और रही बात पूरे हरियाणा प्रदेश की रणनीति की बात अगर आपने की, तो मैं समझता हूँ कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का। और जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी बार, पहले भी इनकी हार हुई है, पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेरे हराना चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा, जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे, किसी न किसी तरह से वो जीते, तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया। और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी, और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। काउंटिंग सेंटर के बाद जयप्रकाश के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमला जो है कुलदीप बिश्नोई उनके अनुयायियों ने करवाया है और एक जाति विशेष का भी नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने किया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आदमपुर की जनता सभ्य है और चौधरी भजनलाल परिवार के समर्थक बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ू तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की, और उसके बाद जो जाट आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी मचाने का काम किया, असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें, तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जेपी जी के पर्यायवाची शब्द है, तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से जब चौटाला साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड का सरदार होने के नाते उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक मचाने का काम किया, और उसके बाद समय समय पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन इन शब्दों की जो कुछ तुलना है वो इन इन लोगों के साथ होती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी न्याय में भरोसा रखती है, और जो भी हादसा हुआ है उसकी हम जांच करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे और न्याय जरूर होगा। खैरमपुर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बच्चों का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? और ये भी कहना है कि 6 तारीख को उनके टेंट तक भी जला दिए गए थे किसी किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा। उसका हम संज्ञान जरूर लेंगे, और
शिक्षा की अगर आपने बात की, स्टूडेंट्स की बात करी, तो शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चौधरी भजनार परिवार बहुत गंभीर है और जो जो मांगे, जायज मांगे हमारे हल्के की है, कैरमपुर गांव की, उनको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। चुनाव पूर्ण होते ही स्कूल मर्ज हो रहे हैं, स्कूल मर्ज हो रहे हैं। हाँ जी, चलो चलो, एक एक करके सारे करेंगे। अभी आपने कहा कि आदमपुर का विकास आपकी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि अब आप सरकार के साथ हैं, तो क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि आदमपुर में पिछले कई सालों से आप लोगों का ये आरोप था कि विकास नहीं हुआ, तो क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिस पर आप मतलब आपको लगता है तुरंत काम करने की जरूरत है? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें, लंबा जिससे जवाब हो जाएगा इसका, और मैं लंबी चौड़ी बातें करने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम बोलेगा। दो तीन बातें ऐसी है, जैसे मैंने कहा कि जो 1500 के 5 गांव हैं उनको मालिकाना खिलाने की बात है, उसको मैं प्राथमिकता दूंगा। एक अच्छे स्तर का अस्पताल मैं खोलना चाहता हूँ आदमपुर हल्के में, उसको भी प्राथमिकता दूंगा। किसानों की मैंने बात की, शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, तो बहुत सारी ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं काम करना पसंद करूंगा। सर, स्कूल मर्ज हो रहे हैं और अभय सिंह चौटाला ने भी परसों आरोप लगाया, पेपर में भी आया है कि चुनाव पूर्ण होते ही गठबंधन की सरकार ने स्कूल मर्ज करने शुरू कर दिए और अपने वादे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आपने अपने प्रचार के दौरान भी कहा था कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होने देंगे, जी बिल्कुल। मैंने इस सवाल का जवाब आपको पहले दिया कि हम शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, जो जो जायज मांगे हैं हमारे जनता की, स्टूडेंट्स की, अध्यापकों की, उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। चौधरी भजनार परिवार के होते हुए आदमपुर के साथ जाती नहीं होगी। चुनाव से पहले आदमपुर में टाइम नहीं देने की बातें आती थी, अब चुनाव हो चुके हैं, जीत गए हैं, तो क्या शेड्यूल रहेगा आपको, कितना टाइम होगा? पूरा समय मैं दूंगा आदमपुर के मेरे परिवार को और ऐसे काम करूंगा, इतने काम करूंगा कि 2024 में आगे से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर सके। 24 साल का सूखा जो था वो खत्म हो गया है, मतलब सूखा एक तरीके से सत्ता में नहीं था, सत्ता में आ गए हैं। बिल्कुल, सूखा कहना गलत है आपको, जैसे आपने कहा कि सत्ता से हम वंचित रहे, तो जिस प्रकार से बड़े स्तर पर काम हम करना चाहते थे, पिताजी करना चाहते, नहीं कर पाए। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, मनोहरलाल जी का हृदय बहुत बड़ा है, तो उनकी रहनुमाई में जो जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे, जो जो सपने चौधरी भजनलाल जी के, चौधरी कुलदीप जी के अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने का मैं काम करूंगा। क्या काम करेंगे आप, युवा हैं, समय बताएगा। मैंने कहा कि मैं बड़ी बड़ी बातें ठोकने में विश्वास नहीं रखता, मेरा काम बोलता है, और 2 साल के समय में आप देखना बड़े स्तर पर मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। जो जो शिक्षा मैंने प्राप्त की, आपको मैंने बताया पहले भी, विदेश में रहकर या हिंदुस्तान में रहकर, उन सब उसका लाभ आने वाले समय में, चाहे CSR फंडिंग के थ्रू है, चाहे डीप प्लान के ग्रांट के थ्रू है, चाहे विभिन्न जो परियोजनाएं होती है, उनको मैं अंजाम देने काम करूंगा। वो कहते हैं एक और काम अधूरा रहता है, वो पूरा नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे। अभी काम को प्राथमिकता दूंगा मैं। उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता बिल्कुल भी। चौधरी भजनलाल परिवार भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक शर्त को लेकर शामिल हुआ था कि आदमपुर के विकास होना चाहिए, और उसी बात पर मैं कायम हूँ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देता है, तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उपचुनाव पूर्ण होते ही जयप्रकाश फिर दोबारा एक्टिव हो गए हैं, और क्या आप पर उतना उनका काम, उनकी कार्यशैली को लेकर आप पर प्रेशर रहेगा कि काम ज्यादा करें, परफॉर्मेंस ज्यादा? नहीं, प्रेशर कोई नहीं है, और मैं तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि आदमपुर के काम हो। और पिछले चुनाव के बाद, तो 13 साल के बाद जयप्रकाश जी को आदमपुर की याद आई, इस बार अगर वो अगर हल्के में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। जैसे स्पोर्ट्स को लेके आप युवा हैं और आदमपुर के गांव के अगर बात, भाई एक स्टेडियम बना हुआ है वहाँ पे, अभी भी 3-3 साल का तो पानी है, उसको लेके किस तरह का आपका होगा योगदान आगे? खेल से मैं बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, मेरा छोटा भाई प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है, मैं खुद स्टेट लेवल क्रिकेट खेल चुका हूँ, एथलेटिक्स में, स्विमिंग में मैंने स्टेट लेवल पर मैंने खेल खेला हुआ है, तो खेल से जुड़ी जो समस्याएं उनको मैं बहुत ही नजदीकी से समझता हूँ, और चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी जितने भी युवा साथी मेरे पास आए थे, मैंने उनको आश्वासन दिया था कि जब जब भी आप मुझे आप राजनीतिक रूप से मजबूत करेंगे, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने को प्राथमिकता दूंगा। तो खेल को लेकर मैं बहुत गंभीर हूं और उन पर भी मैं काम करूंगा। हाँ जी, संभाल घर तो बैठेंगे नहीं, और बहुत ही वरिष्ठ नेता है मैं समझता हूँ पिताजी, दो बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक, और मैं समझता हूं कि उनका प्रभाव सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान पंजाब तक भी है। और भाजपा की अगर मैं बात करूं, तो उनकी खास बात यह है कि वो मेरिट को प्राथमिकता देते हैं, और अंग्रेजी में कहावत है कि आई फॉर टैलेंट होना, तो आई फॉर टैलेंट भाजपा में भरपूर है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनकी सीनियोरिटी के आधार पर, उनके काबिलियत के आधार पर, उनको जिम्मेदारी चौधरी कुलदीप जी को मिली। उपचुनाव पूर्ण होती कांग्रेस की जो जूतम बाजार है वो फिर दोबारा शुरू हो गया है, किरण चौधरी शैलजा पर आरोप लगाए जयप्रकाश ने, और हुड्डा ने भी आरोप लगाए हैं, और हुड्डा जी ने तो टारगेट बना लिया कि किसी तरीके से जैसे कुलदीप जी छोड़कर गए, किरण चौधरी की बारी है, क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा, देखो अब हरियाणा कांग्रेस 2 लोगों की पार्टी रह गई है,
और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो शाम में भी उपचुनाव हो रहे हैं इसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। जिस दिन आपकी जीत की खबर आई उस दिन से चर्चा शुरू हो गई थी। किरण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहा है और भारतीय जनता पार्टी में अगर उनका अगर उनकी रुचि है उनका उनकी आस्था है तो उनका स्वागत होगा। और ये चर्चा भाजपा के सीनियर लीडर्स है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका हमारे परिवार में हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। जितने के बाद लगातार आपके सीनियर लीडर्स के साथ जो है मुलाकात हो रही है, मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात हुई, सीनियर लीडर के साथ भी आपकी मुलाकात हुई, किन एजेंडा को लेकर सर आप जो है मुलाकात कर रहे हो? मैं आशीर्वाद देने जा रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से इतनी कम आयु में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदमपुर की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया तो मैं बहुत ही आभारी हूँ भाजपा के नेतृत्व का। तो इन बातों को लेकर मैं आभार प्रकट करने गया था, एक बार फिर उनका आशीर्वाद लेने गया था और उनको दोबारा मैंने ये कहा कि जो आपने हमसे वायदा किया था, जो आपने विश्वास हमें दिलाया था कि आप आदमपुर पर विशेष रूप से आशीर्वाद बनाए रखेंगे, उस विश्वास पर कायम रहे। इन बातों को लेकर मैंने चर्चा की। मोहन जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे पिता समान है वो और हमेशा उनका आशीर्वाद का मुझ पर, हालांकि हमारे राजनीतिक दल अलग है लेकिन पारिवारिक रूप से हम एक हैं। जैसा कि पिताजी और दादाजी का तो आशीर्वाद है, जैसे कुलदीप जी एक थम्स अप करते हैं, आप डबल थम्स अप कर रहे थे अभी। हाँ जी, लेकिन उनके अलावा उन दोनों के अलावा राजनीति में कौन आपका आदर्श, किस नेता की तरह आप काम करना चाहते हैं? अच्छा सवाल है आपका। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं, स्वर्गीय अटल जी से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने विपरीत से विपरीत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का काम पूरे हिंदुस्तान में किया, जिस प्रकार से वो इतने प्रभावी वक्ता भी थे, उनके मैं अक्सर उनके वीडियोज में निकाल निकाल कर देखता हूँ। उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से, उनके नेतृत्व से मैं काफी प्रभावित हूँ और आज की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी से कौन प्रभावित नहीं है, तो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। गुजरात और हिमाचल भी जा रहे हैं प्रचार करने? जहाँ जहाँ जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी मैं पूरी मेहनत के साथ उनकी उम्मीदों पर खड़ा रहूंगा। आपकी जीत का जो अंतर रहा आपसे किस टाइम? जी बिल्कुल, हिंदी में कहावत है जो जीतता वही सिकंदर होता है, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो। और विधानसभा चुनाव में 16,000 का मार्जिन मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी मार्जिन क्या कहलाता है। मार्जिन की अगर आप बात करो तो कम इसलिए रहा क्योंकि आदमपुर में दो प्रकार के वोट है, चौधरी भजनलाल परिवार के पक्ष के और चौधरी भजनलाल परिवार के विपक्ष के। विपक्ष का वोट जब एक तरफा डलता है जिस प्रकार से आपने इस उपचुनाव में देखा तो मार्जिन कम हो जाता है, और जब विपक्षी वोट बढ़ जाता है जैसे 2019 में जेजेपी 16,000 वोट लेकर गई थी तो मार्जिन बढ़ जाता है। तो और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट हमें चौधरी कुलदीप जी को 2019 में 64,000 के करीब मिले और मुझे 67,000 के करीब मिले, तो हर चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ता है। तो मैं मार्जिन को भी अच्छा मानता हूं और वोट शेयर को भी अच्छा मानता हूं, अच्छी जीत रही है। जितेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि हम लोग जीते तो नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप बिश्नोई जी के 11,000 वोट हमने कम करने का कार्य किया। देखिए अगर दीपेंद्र जी को कांग्रेस पार्टी को हार में अगर जीत दिखाई देती है तो उनको हार मुबारक हो और इसी तरह से हारते रहे वो आगे भी। और जैसे मैंने भी कहा कि हमारा जो वोट है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ पहले से, और जो विपक्षी वोट था वो एकजुट हो गया था और उन्होंने पूर्ण रूप से प्रयास किया कि जात पात के आधार पर चुनाव को लड़े और इस कोशिश में वो नाकाम रहे। ऐसी जो रणनीति लोग रखते हैं, आदमपुर के लोग बहुत ही जागरूक और समझदार हैं, तो अगर आगे भी अगर इनका ऐसे रहेगा तो पूर्ण रूप से मैंने कहा इनका सुपड़ा साहब ऐसे होने वाला है और ऐसे रहेगा तो और भी जल्द सुपड़ा साहब। मतलब सिंह हुड्डा कह रहे हैं हम बिना कुलदीप बिश्नोई बिना भजनलाल परिवार के जब लड़े तो 10,000 वोट लिए थे सरेंद्र सिंह ने, अब हम 52,000 पे पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी सिसक कर जीती है, क्या कहें? या इनकी बौखलाहट है, जैसे मैंने कहा जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं उनको ना तो गणित का ज्ञान है ना ही राजनीति की समझ है। मैंने कभी कहा प्रकार के वोट है और ये पार्टी विशेष को लोग नहीं देखते, व्यक्ति विशेष को देखते। सर आदमपुर में अफवाह चल रही है कि भुवे बिश्नोई के सिक्स पैक एब्स हैं फिटनेस फ्रीक हैं। सिक्स पैक एब्स जरूर थे लेकिन चुनाव के दौरान लोगों का प्यार बहुत आशीर्वाद बहुत मिला तो इसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता भी है। दोबारा सिक्स पैक अगर समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महीने में एक बार दादाजी की सीट पर बैठे हमको खबर करते थे, महीने में एक बार वादा करो। जरूर जरूर जी जरूर, आपका आशीर्वाद मुझे की आवश्यकता बहुत है, आपका बहुत अहम योगदान होता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रेडी है? सभी प्रेस साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से आदमपुर के उपचुनाव में आप सभी ने निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता का धर्म निभाया उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।